बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खूबसूरत होती हैं। मॉली और कैरोलाइन पूरी दुनिया के टॉप पर रहते हैं, पर इनमें से एक को ऊंचाई से डर लगता है और एलिवेटर से भी छोटी जगहों पर वो घबरा जाती है। इन्हें अलग होना होगा। ओह, मुझे लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। 43 फ्लोर पर पहले कौन पहुँचेगा? कैरोलाइन ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएगी। उसके डर की वजह से वो कुछ नहीं कर पाती है। साथ ही मॉली और तेज जा रही है। उसे इतना बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहिए था। कैरोलाइन जितनी तेज जा सकती है उतना तेज जा रही है, पर वो किसी तरह होम स्ट्रेच पर पहुंचने में कामयाब हो गई। वो आसानी से रेस जीत चुकी है। अब वो सच में दुनिया के टॉप पर पहुँच चुकी है। मॉली के साथ क्या हुआ? एलिवेटर शाफ्ट से अजीब सी आवाजें आ रही है। मॉली बिना कंट्रोल के ऊपर और नीचे जा रही है। वो मदद के लिए अपनी दोस्त को कॉल कर रही है। दोनों लड़कियां डरी हुई हैं। कैरोलाइन को कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या किया जाए। मॉली भी घबराने लगी है। कंट्रोल पैनल लॉक हो चुका है। उसे याद आया कि वो उसे खोलने के लिए अपना हेयर क्लिप इस्तेमाल कर सकती है। मॉली को लॉक्स खोलते रहने की आदत है, ताकि वो एनिमल्स को कॉस्मेटिक टेस्टिंग से बचा सके। तो वो इसे जरूर खोल सकती है। वाह, बहुत सारे बटन्स और स्क्रू ड्राइवर भी। मॉली कोई भी बटन दबा रही है। इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। अच्छी बात है उसे चोट नहीं लगी। इस सूट केस में क्या है? और लॉक्स? सच में सब कुछ गलत हो रहा है। वाह, फिंगरप्रिंट स्कैनर। पुराने सूटकेस के लिए ये बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है। उसके फिंगर इसे नहीं खोल रही है। उसने हाई फाइव देकर अपने सारे फिंगरप्रिंट्स खराब कर दिए हैं। मॉली हार नहीं मानने वाली है। शायद वो फेस स्कैनर को अजीब सा बनाकर बेवकूफ बना सकती है। वो चेहरे बनाने में माहिर है। सूटकेस खुल चुका है। इसके अंदर कुछ भी काम का सामान नहीं है, पर मॉली इसका इस्तेमाल एलिवेटर को सजाने के लिए कर सकती है। उसे इस जगह को अपना बनाना होगा। अगर वो यहाँ पर फंसे रहने वाली है तो बेहतर है वो यहाँ रहने की आदत बना ले। हो गया। कैरोलाइन दरवाजे पर नॉक कर रही है, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। स्टेथोस्कोप का आइडिया अच्छा है, पर उसे वॉल्यूम एडजस्ट कर लेना चाहिए था। वो बहरी हो सकती थी। वो मॉली को बाहर कैसे निकाल सकती है? ओह, शायद जब तक एलिवेटर काम ना करे बटन्स को दबा कर देखते हैं। पर उसने इसे तोड़ दिया। ये एलिवेटर सस्ती चीज है और इसने उसे गलत सेट कर दिया है। क्या आप कैरोलाइन को बता सकते हैं कौन सा बटन कहाँ लगाना चाहिए? मॉली सारे बटन्स को एक साथ दबाने की कोशिश कर रही है। वो यहाँ पर अकेली नहीं है। उसे स्पाइडर से डर लगता है। इनके बहुत सारे लेग्स क्यों होते हैं और इनके वेब्स इस तरह चिपक क्यों जाते हैं? फिर से तुम। उसने अपना नेकलेस गिरा दिया और तोड़ दिया। ये उसका पसंदीदा नेकलेस था। क्या वो इसे सजा पाएगी? अच्छा आइडिया है। क्या होगा अगर लाइट्स चली जाए? एक और टास्क पूरा हो गया। मॉली को भूख लग रही है, तो उसने डिलीवरी ऑर्डर की है। डिलीवरी वाले को सीढ़ियों से चढ़ना होगा। खाना आ चुका है। वो मॉली तक कैसे पहुँचेगा? दरवाजे में गैप बहुत छोटा है। कैसा रहेगा अगर हम इसे फ्लैट बना दे? अब उसे ही मिल जाएगा। शाबाश, तुम्हें अच्छी टिप मिलनी चाहिए। मॉली के पास अब पैसों का कोई काम नहीं है। उसने आज से पहले खाने को कभी इतना फ्लैट नहीं देखा है। उसने बस इसे फिर से बड़ा कर दिया। वो खाने का इंतजार नहीं कर सकती है। उसे भूख लगी है। डिलीवरी वाले ने बैग में एक सरप्राइज रखा है। कैंडी सही समय पर भेजा है। उसे एक बार में मत खाना। वो मिरर के बारे में भूल गई थी और अपने रिफ्लेक्शन को देखकर डर गई। यहाँ पर बहुत सारे कैंडी रैपर्स हो चुके हैं और क्योंकि वो उन्हें फेंक नहीं सकती है, उसे इनका अच्छा इस्तेमाल करना होगा। कितना प्यारा फ्रेम है। ओह, उसने गलत बटन दबा दिया है। उसे सांस लेने में परेशानी हो रही है। क्या वो बच नहीं पाएगी? वो वेंट तक नहीं पहुँच पा रही है। काश उसके पास सीढ़ी होती। उसे अपनी दोस्त की मदद की जरूरत है। वक्त बीतता जा रहा है। कैरोलाइन को वेंटिलेशन ऑन करना है।
वो ये कर सकती है, है ना? ये बस एक लिवर है, वो ताजी हवा को अपनी दोस्त के पास पहुंचा सकती है। अब मॉली उड़ने लगी है, इतनी हवा सच में काफी है। ये बहुत ज्यादा है, इसे कम करते हैं। ये हेयर स्टाइल उस पर अच्छा लग रहा है। मॉली बोर हो रही है तो वो फिर से सजावट का काम करने लगी है। ये कैरोलाइन की पसंदीदा ड्रेस है, इसमें एक लूज स्ट्रिंग है। मॉली को इसे नहीं खींचना चाहिए था, वरना जल्दी ही वो खुद को स्ट्रिंग से बांध लेगी। कैरोलाइन को ये ड्रेस नहीं चाहिए थी, है ना? पर मॉली को स्ट्रिंग की जरूरत है, उसके पास एक दिलचस्प आइडिया है। कैरोलाइन धमाके की आवाज से घबरा गई। सब कुछ ठीक है, वैसे सब बढ़िया है। अब मॉली के पास शैंडलियर है, वो बेहतरीन काम कर रही है। अब मॉली के पास पानी खत्म हो चुका है, वो ज्यादा देर तक ऐसे नहीं रह सकती है। कैरोलाइन उसकी मदद करेगी, वो सोडा को सीधे मॉली के मुंह में लगाने के लिए स्ट्रॉस का इस्तेमाल करेगी। इसका टेस्ट अब अलग लग रहा है, पर कैसे? किसी को लगता है कि सोडा उसके लिए अच्छा नहीं है। मॉली अपने बेवरेज सोर्स को प्यारे से डॉग के साथ शेयर कर रही है, काफी अजीब बात है। कैरोलाइन मॉली के लिए आइसक्रीम लेकर आई है, ये इस मुश्किल वक्त को और मजेदार कर देगा। स्वीट्स की बारिश हो रही है, मॉली को आइसक्रीम बहुत पसंद है। वो जितनी जल्दी हो सके सब खाने की कोशिश कर रही है, ये उसके लिए अच्छा है। उसने बहुत सारे पॉप्सिकल स्टिक्स खाली कर दिए हैं। वो इनसे क्या बना सकती है? एक आइडिया है। ये सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस किस लिए हैं? इनकी जरूरत किसे है? मॉली इसका इस्तेमाल करके पिनबॉल मशीन बनाने वाली है। वो बीट को बॉल की तरह इस्तेमाल करेगी। ये इसका पसंदीदा आर्केड गेम है। अभी इसके नाम पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। इन सब आवाजों को सुनकर कैरोलाइन को चिंता होने लगी है। क्या मॉली परेशानी में है? नहीं, वो बस इस चैलेंज के मजे उठा रही है। अचानक कैरोलाइन को एलिवेटर टेक्नीशियन को कॉल करने का आइडिया आया। इसमें काफी देर हो गई, जब जागो तब सवेरा। हमारे शहर में काफी कम एलिवेटर टेक्नीशियन हैं। वो उम्मीद हार नहीं वाली थी, फिर उसे अपने पैरों के नीचे जवाब मिल गया। उसे इसी की जरूरत थी, वो उसे कॉल कर रही है। पर वो रात की शिफ्ट में काम कर रहा था, इसीलिए वो सो रहा है। वो अपनी प्यारी नींद से जागना नहीं चाहता है। कैरोलाइन कभी हार नहीं मानती है। एक बार उसने अपने एक्स को उस वक्त भी कॉल कर लिया था जब उसका फोन ऑफ था। पर फर्क कितना है, इस आदमी के पास हैमर है। इसी बीच मॉली एलिवेटर को अपने सपनों वाले रूम में बदल चुकी है। उसके पास जरूरत की हर चीज है, याद नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या? उसे इस कचरे का कुछ तो करना होगा, और इस सूट केस का भी। अब ये चेयर बन चुकी है, और ये रही लाइट। अब उसे बस ये सारा सामान उठाना होगा। वो इसे कहाँ रख सकती है? क्या कैरोलाइन इसे संभाल सकती है? आखिरकार ये सारा उसका सामान है। पड़ोसियों का नया वार्डरोब आ चुका है, डिलीवरी टीम को सरप्राइज मिलने वाला है। एलिवेटर खराब हो चुका है और उनको 43 फ्लोर तक जाना है। उसे मिशन इम्पॉसिबल भी कह सकते हैं। खैर, इनको कहा गया था अगर वो इसे नहीं ले जाएंगे तो उन्हें काम से निकाला जा सकता है। ये सच में उनका सबसे मुश्किल काम होने वाला है। आखिरकार वो सही फ्लोर पर पहुंच गए हैं, पर कैरोलाइन ने उनको बताया कि वो गलत बिल्डिंग में आ गए हैं। इससे बुरी खबर नहीं हो सकती थी। ये कैरोलाइन का सुंदर पड़ोसी जोई है, वो फर्नीचर डिलीवरी के लिए यहाँ आया है। कैरोलाइन ने कुछ नहीं देखा है। इसी बीच मॉली थोड़ी देर के लिए पढ़ना चाहती है, पर इसके चेहरे पर सोडा लग गया है। बेचारी, पूरी दुनिया उससे क्यों नफरत करती है? ठीक है, कैरोलाइन को पता है वो कैसे खुश हो सकती है। ताजे फ्रूट्स, ये हेल्दी और मीठे भी है। वो भूल गई थी कि दरवाजे में बहुत छोटा छेद है, पर अगर वो फ्रूट को हटाती है प्लेट फिट हो सकती है। खाली प्लेट का क्या फायदा होगा? एक आइडिया है, इससे टेबल बना दो। बुक्स लेग्स की जगह लगेंगे, थोड़ा पेंट और मॉली का टेबल तैयार है। वो इन सब कामों में माहिर है। अब एलिवेटर काफी कूल रूम में बदल चुका है, वो बेहतरीन काम कर रही है।
कैरोलाइन 911 पर कॉल कर रही है। शायद पुलिस वाले इस बार अपना काम करें, वरना वो लोगों के टैक्स के पैसों से बस डोनट्स खाते रहते हैं। वो पुलिस वाले को पूरी कहानी बताने की कोशिश कर रही है, पर इसका कोई फायदा नहीं है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये सब सुनकर उसे चक्कर आ रहे हैं। उसका छोटा सा दिमाग ये सब नहीं झेल सकता है। कैरोलाइन घबरा गई और उसने एम्बुलेंस को कॉल किया, पर डॉक्टर को लगा कि उसने पुलिस पर हमला किया है। अब वो उसे गिरफ्तार करेगा। ये काफी अजीब हालात हो चुके हैं। कैरोलाइन बताने की कोशिश कर रही है कि उसकी दोस्त एलिवेटर में फंस चुकी है और अंदर ऑक्सीजन खत्म होने वाला है। नहीं नहीं नहीं, अब वो किसे कॉल करेगी? क्या मौली आराम करना चाहती है और मेडिटेट कर रही है, जो कि मुश्किल काम है जब आप 43वें फ्लोर के एलिवेटर पर फंसे हुए हो। वो शांत नहीं रह सकती, वो घबरा रही है। उसे बैग की जरूरत है। गहरी सांस लो, सांस बाहर छोड़ो। हो फ्रेंच फ्राइज, बढ़िया है, इतना अभी के लिए काफी है। अंदर बाहर, अंदर और बाहर। एलिवेटर ऑन नहीं हो रहा है। उसने हर बटन दबा दिया है, या लगभग हर बटन। ये क्या है? उसे पता चल चुका है ये पॉपिट है। उसे फिर से गुस्सा आने वाला है। वो बहुत थक चुकी है। वो इस तरह से अपना दिन बिताना नहीं चाहती थी। वो इस तरह से मरना नहीं चाहती है। इसकी जगह उसने पॉपिट को काट कर बटन्स को फिर से सजाया है। अब उन्हें दबाना आरामदायक है। एलिवेटर को ये पसंद आया। ये मौली को उसके सारे कामों के लिए शुक्रिया कह रहा है। अब वो जा सकती है। कैरोलाइन को ये देखकर बहुत खुशी हुई कि उसकी दोस्त ठीक है। अब वो फिर से ऐसा कभी नहीं होने देंगे। लैंडलॉर्ड आ चुका है। वो बिल्डिंग दिखाने के लिए इन्वेस्टर को साथ लाया है। एलिवेटर उसे काफी पसंद आया है। लैंडलॉर्ड कह रहा है कि ये सब उसने खुद किया है। कितना बदमाश है, सारी मेहनत मौली ने की है। लैंडलॉर्ड फिर से टूर कर रहा है। लड़कियों ने उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी शानदार राइड कराने की सोची है। आपको ये कैसा लगा मिस्टर थॉमस? वो बेबी की तरह रोने लगा है। इसी बीच लड़कियों ने एलिवेटर पर खुद मेहनत करने के लिए इन्वेस्टर के पैसे ले लिए। हे मौली, शायद हम कुछ और बना सकते हैं। ये बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है और कैरोलाइन इन लड़कों के सर ढूंढ रही है जो लड़कियों को धोखा देते हैं। मौली खुद को दुखी होने से बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। कैरोलाइन प्लान कर रही है कि सजावट कैसी होनी चाहिए और उसकी बहन बहुत सारी सलाह देना चाहती है। तुम सलाह देने के लिए बहुत छोटी हो, पर दोनों इस बात से सहमत है कि दीवार खाने लायक होनी चाहिए। चलो काम शुरू करें। उन्होंने आसपास के सारे कैंडी स्टोर से सारा सामान खरीद लिया। कम से कम उनके पास खाने के लिए बहुत सारी कैंडी है और सजाने के लिए भी। चलो जश्न मनाते हैं। पर हम किससे शुरुआत करें, स्किटल्स, मैक्रोन्स या कैंडी? आपकी पसंद कमेंट करके बताएं। कैरोलाइन पुराने टॉयज को देख रही थी और उसे एक वाटर गन मिली है। हाथ ऊपर करो, तुम्हें टावल भी बचा नहीं पाएगा। गन से अब शूट नहीं किया जा सकता है और इसकी जरूरत भी नहीं है, पर मौली ऐसा होने नहीं देगी। जैसी करनी वैसी भरनी। मौली को कैंडी पसंद है, इससे वो एक जगह पर ध्यान दे सकती है। ओप्स, फ्लोर को भी ये पसंद है। मुझे वापस करो, मैं इसे वापस लेकर रहूंगी। पर अब यहाँ पर दाग लग चुका है, पर ये रग उसे छिपा देगा। ये बढ़िया काम किया है। डोनट से भरा हुआ पैकेज, क्या मौली ये सब खाने वाली है? कैरोलाइन का क्या होगा? मौली को एक आइडिया आया है और उसने दोनों के लिए एक फुल मिरर बनाया है। कैरोलाइन खुद को रोक नहीं पाई। जब मौली सजावट का काम कर रही थी, कैरोलाइन खाने में बिजी थी और उसने बॉक्स वापस रख दिया। उसका ध्यान भटक गया था। अच्छी बात है उसने बॉक्स को नहीं खाया। दूध और कुकीज बहुत अच्छे होते हैं।
पर कुकीज खत्म हो गई है। मौली उदास हो चुकी है। उसने अपनी बड़ी बहन की मदद की और अब कैरोलाइन को उसकी मदद करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा कुकी है, ये ग्लास में फिट नहीं आएगी और मौली का मुंह बहुत छोटा है। इस कुकी के लिए पूरे पूल की जरूरत है और घर के सारे दूध की जरूरत होगी। यहाँ तक कि हमें थोड़ा तो पड़ोसी के पास से भी चुराना पड़ा। ये सब तुम्हारे लिए है मौली। कैरोलाइन ने एक आइसक्रीम बकेट तैयार किया है, क्यूट लग रहा है। मौली चाहती है यहाँ पर हर चीज मीठी हो, यहाँ तक कि प्लांट्स भी। सोडा फ्रूट देने लगा है, चलो इससे फ्रूट निकालें और शेयर करें। कैरोलाइन ने लाइट क्ले से बड़ा सा मैक्रॉन तैयार किया है और मौली ने इसे खाने की कोशिश की। वो इससे ऐसे चिपक गई जैसे नए स्निकर्स के नीचे की तरह गम चिपक जाती है। आप इसे नहीं खा सकते हो। मौली यहीं पर नहीं रुकी, ये उसका पहला राउंड था। लाइट खराब हो चुकी है, मुझे आइसक्रीम की बारिश की उम्मीद नहीं थी। कैरोलाइन बहुत लापरवाह है, पर वो मदद करने के लिए तैयार है। अगर हम साथ काम करें तो ये जल्दी हो जाएगा और मजा भी आएगा। आइसक्रीम की लाइट शानदार है, ये जबरदस्त है। ओह, यहाँ पर किशमिश है। रूम शानदार हो चुका है। कैरोलाइन च्युइंगम खाते हुए ख्यालों में खो गई है और अब वो फंस चुकी है। सिर्फ मौली उसकी मदद कर सकती है। गम चबाने में वो माहिर है। सभी का भला हुआ। स्किटल्स का खत्म हो जाना बुरी खबर है, किसी ने ये बहुत ज्यादा खा लिया है। कैरोलाइन मुजरिम को पकड़ने वाली है। वो इस पेंटिंग को देखकर खुद को रोक नहीं पाएगी और वो आ चुकी है। मौली कैंडी को खाने की कोशिश कर रही है। लड़कियों ने अपने सारे पैसे कैंडी के लिए खर्च कर दिए हैं। उनके पास कुछ नहीं बचा है, पर मौली के पास एक प्लान है। टूथ फेरी के पास पैसे हैं, हम उसे बेवकूफ बना सकते हैं। और हम एक दांत की जगह पर ग्रैंडमा की डेंचर्स का इस्तेमाल करेंगे। ये अच्छा आइडिया है, हम अमीर बन जाएंगे। ग्रैंडमा की डेंचर्स बहुत कीमती है, पर हम एक बड़े चेक के लिए हाँ कर देंगे। हाँ। लड़कियाँ अपना कैरेमल बनाना चाहती है, उन्हें बहुत सारे शुगर की जरूरत है, ये खतरनाक हो सकता है। पर उनको समझाने का कोई फायदा नहीं है, लड़कियों से रुका नहीं जा रहा है। सिर्फ एक फोन से मौली बिजली की तरह चार्ज हो गई है, उसे पहचाना नहीं जा सकता है। वो एनर्जाइजर बनी की तरह लग रही है, सही में बहुत ज्यादा शुगर है। तुम्हें कॉफी और कैंडी की जरूरत है। कैरोलाइन अपने एक्स को भूल चुकी है और अब नए लड़के को टेक्स्ट कर रही है। तो मौली ने उसकी कैंडी चुरा ली है, पर शायद ये वक्त काम शुरू करने के लिए सही हो सकता है। स्वीट रूम खुद से तैयार नहीं होगा, हम न्यूटेला को सीमेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे, ये काफी बेहतर है। कैरोलाइन खुद को इस स्वीट दीवार से बचा रही है, अब इसकी कैंडी सेफ है। ऊप्स, मौली न्यूटेला और ब्रिक्स को खा रही है। क्या अब वो कैरोलाइन को खाने वाली है? लैपटॉप रूम से मैच नहीं हो रहा है, इस तरह तो दुनिया खत्म हो जाएगी। पर कैरोलाइन इसे ठीक कर सकती है, रंगीन स्टिकर से उसका लैपटॉप स्वीट बन सकता है, ये बेहतर है। पर बिल्कुल, मौली यहाँ पर हर चीज खराब करने के लिए आई है, वो हमेशा बीच में आ जाती है। उसने लैपटॉप और स्टिकर्स खराब कर दिए हैं। शायद हमने बहुत सारी कैंडी खा ली है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मौली के पास हेल्दी होने का आइडिया है, कैंडी को स्टिक्स पर रखने से अच्छी उम्मीद मिलेगी। कैरोलाइन को इस
आइडिया को हाँ कह देना चाहिए। हमें इस आइडिया को अपने नाम पर करना होगा। कैरोलाइन आज से पहले कभी इतने तेज नहीं भागी थी। जब वो होम स्ट्रेच पर पहुँच गयी तो उसे पता चला कि कैंडी के नाम झूठ बोला गया है, क्योंकि कैरोलाइन कैंडी खाना छोड़ रही है। मॉली को भी ऐसा ही करना चाहिए। शुगर की जगह पर सॉल्ट को डालने से रेसिपी पूरी तरह बदल सकती है। मॉली को कुछ भी पता नहीं चला है। अच्छी खुशबू आ रही है, क्या मैं ट्राई करके देख लूं? उफ़, ये कैसा अजीब फ्लेवर है। कैंडी खाना चाहोगी? मॉली ने कभी पहले ना नहीं कहा है, पर ये बहुत 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 खट्टी कैंडी है। ज्यादा कैंडी खाने से आपके दांतों को नुकसान हो सकता है और दांतों का दर्द सहन नहीं किया जा सकता है। डैड लड़कियों को डेंटिस्ट के पास लेकर गए हैं और अब टूथ फेरी कभी वापस नहीं आने वाली है। उम्मीद है उनको अच्छा सबक मिल चुका है। अब और कैंडी नहीं, सिर्फ हेल्दी खाना। हमें रूम को भी फिर से सजाना होगा ताकि डैड के पसंदीदा गेम को मैच किया जा सके, प्लांट्स का मुकाबला ज़ॉम्बी से। कैरोलाइन और उसकी कजन मॉली ने इंस्टाग्राम पर एक कूल सीक्रेट रूम देखा है और अब वो भी अपना सीक्रेट रूम बनाना चाहती है। कैरोलाइन अमीर है तो वो घर बनाने का सारा सामान खरीद सकती है, ठीक है, पर उन्हें उठाना इतना आसान नहीं होगा। उसे अपनी कजन की मदद की जरूरत होगी। मॉली के पास कभी पैसे नहीं थे, पर वो अच्छी इंसान है और सबकी मदद करती है, और उसकी कजन हमेशा उसका फायदा उठाती है। मॉली उसके लिए हर चीज करती है। कैरोलाइन उससे बहुत काम कराती है और बदले में सामान देती है। मॉली खुद से ही काम नहीं कर पा रही है और कैरोलाइन बिल्कुल भी मदद नहीं करना चाहती है। वो बस अपना रूम अच्छा बनाना चाहती है। मॉली को उससे कोई उम्मीद नहीं है। इंटीरियर डेकोर किसी भी मूड को बेहतर बना सकता है। कैरोलाइन अमीर दिखना चाहती है और मॉली को कैरोलाइन का बचा हुआ सामान इस्तेमाल करना होगा। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। कैरोलाइन को गुस्सा आ रहा है। सभी को अपने रूम में शेल्स की जरूरत होती है। कैरोलाइन यहाँ पर अपनी महंगी एक्सेसरीज और टियारा को रखती है और वो मॉली के रूम को कचरे के डिब्बे की तरह इस्तेमाल करती है। ये बहुत परेशान करने वाली बात है। क्या? ओप्स। मॉली अपनी क्रिएटिविटी से कैरोलाइन के कचरे से कुछ अच्छा बना लेती है। वो पेंट का इस्तेमाल करके आम बॉक्स को भी शानदार बना सकती है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा हो तो आप हर तरह की लाइटिंग को खरीद सकते हो। मॉली अपने कमरे में लाइट कैसे लगा सकती है? खैर, हर चीज का जलना जरूरी नहीं होता, है ना? ये मॉली के ऊपर है। जल्दी ही उसके रूम में कूल लाइट्स होंगे जो कैरोलाइन भी नहीं खरीद सकती है। मॉली के इस क्राफ्ट के बाद अब इसे अंधेरे में शार लेना होगा। मॉली बेसमेंट में ट्रेजर्स को ढूंढने गई है। यहाँ पर जरूर बहुत सारा सामान होगा। इस पुराने सूटकेस में क्या है? वो क्या करने वाली है? हम अभी देखने वाले हैं। क्या इसके अंदर एक और सूटकेस है? ये उसके नए रूम के काम नहीं आएगा, पर वो इससे चेयर बना सकती है। ये बिल्कुल भी आरामदायक नहीं है, पर मॉली बहुत क्रिएटिव है और वो हर चीज को अपने रूम के लिए इस्तेमाल कर सकती है। ये वैसे एक पिलो है, शानदार। कैरोलाइन को जलन हो रही है, इसलिए उसने अपने रूम के लिए बहुत सारे प्यारे मुलायम कुशन्स ऑर्डर किए हैं। मैं अमीर हूँ और गरीब मॉली को अपने पुराने कचरे के साथ खुश रहना होगा। वो छोटे उदास ग्रे माउस की तरह है और कैरोलाइन उस कैट की तरह है जिसे क्रीम मिलने वाली है। कैरोलाइन के पास लैपटॉप के लिए कूल डेस्क है, यहाँ पर वो आराम करती है। अब वो अपने नए रूम में ट्रूम ट्रूम ट्रिक की वीडियोस देख सकती है। मॉली बहुत बोर हो गई, इसलिए उसने नए आइडियाज सोचे हैं। जो भी चीजों से मिली उसका इस्तेमाल करके उसने डेस्क बनाया है, क्योंकि वो लैपटॉप नहीं खरीद सकती है।
इसीलिए कैरोलाइन ने अपना लैपटॉप शेयर किया है। मॉली को नए आइडियाज आते रहते हैं। वो टॉयलेट पेपर और कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करके एक टेलीस्कोप बना सकती है। कैरोलाइन को आर्ट्स और क्राफ्ट्स की जरूरत नहीं है, वो बस नया सामान खरीद सकती है। वो गरीब मॉली को चिढ़ा रही है, शायद मॉली के पास अमीरों वाली इमेजिनेशन नहीं है। मॉली को कुछ ऐसा सोचना होगा जिसे कैरोलाइन खरीद ना पाए। अगर वो उसके घर में देखे शायद उसे कुछ कूल मिल सकता है। वो रोप और क्लोथ पिंस का इस्तेमाल कर सकती है। कैरोलाइन को लगता है ये काम नहीं करेगा, बहुत बड़ी गलती कर रही है। इस शानदार फोटो डिस्प्ले को देखो। कैरोलाइन को ये पसंद नहीं आया। उसने अपने पिक्स को देखने के लिए प्रोजेक्टर खरीदा है। मॉली के आइडिया पर पानी फिर गया। क्या आपको हमारी नई वीडियो पसंद आई? तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं। ट्रूम ट्रूम ट्रिक पर फिर से मुलाकात होगी।